Hello everyone, how are you all? All are fine? That's really good. तो बताइए कैसी चल रही हैं आपकी ये छुट्टियाँ? सभी काम कर रहे हो मैम जो आपको बताती हैं फोन पे? Yes, hopefully आप सब काम बहुत अच्छे से कर रहे हो and I hope कि आप मिल्क भी रोज पी रहे हो. One glass in the morning, one big glass in the morning, and one big glass in the evening. क्योंकि जब हम big हो जाएंगे तो हमें strong बनने के लिए, grow करने के लिए milk पीना बहुत जरूरी है ना? So, आज भी मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ. You want to listen it? Okay. So, have a look. Once upon a time, there lived a farmer. एक farmer जो दूर कहीं पे अपने घर में अपनी wife के साथ रहता था, उसके पास एक goose थी. वो goose रोज एक golden egg ले करती थी. जो गोल्डन एग वो ले करती थी, उस एग से जो फार्मर था बहुत सारी मनी अर्न कर लेता था, और उस मनी से उसकी वाइफ और वो अपनी सारी नीड्स फुलफिल कर लेते थे. वो अच्छा अच्छे कपड़े भी पहनते थे, अच्छे अच्छा खाना भी खाते थे, और अच्छी अच्छी जगह पर घूमने भी जाते थे. The farmer and his wife were very happy for a long time. एक दिन क्या हुआ? Farmer thought कि मैं रोज इस गोश से वन एग लेता हूँ और उसको सील करता हूँ, जिससे मुझे मनी मिलती है, जिसके साथ हम सर्वाइव करते हैं. क्यों ना मैं इस गूस से सारे एग ले लूं और बहुत सारी मनी इकट्ठी कर लूं. तो फार्मर ने जाकर अपनी वाइफ को ये थॉट सुनाया. उसने अपनी वाइफ को कहा, ओ डार्लिंग, व्हाई डोंट वी टेक ऑल ऑफ द एग From goose at once. तो wife ने कहा, why, क्यों आप goose से सारे eggs ले लेना चाहते हो? तो farmer ने कहा कि हम ना सारे eggs को सेल करके बहुत सारी money earn कर लेंगे और फिर हमेशा happy रहेंगे. तो वाइफ को सुनकर बहुत अच्छा लगा. वाइफ ने कहा, ओके फार्मर, आई एम विद यू, लेट्स गो एंड कट द गूज स्टमक. जब हम गूज का पेट कट कर लेंगे तो उसके टमी में से बहुत सारे एग्स निकाल कर उसको सेल कर देंगे और हमारे पास बहुत सारी मनी आ जाएगी. फार्मर And his wife took a knife and ran towards the goose. जब वो गूस के पास बैठे, उन्होंने उस नाइफ से गूस की स्टमक को कट किया. और जब उन्होंने गूस की स्टमक को कट किया तो उसमें से तो कोई भी एग नहीं निकला. ना उसमें गोल्डन एग था, ना कोई और एग, और गूस डाइड. गूस जो है वो मर गई. फार्मर और उसकी वाइफ एक दूसरे को देखने लगे. उन्होंने सोचा, ये तो हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है. अब तो हमें जो रोज का वन एग मिलता था वो भी नहीं मिलेगा. एंड दे बोथ वर क्राइंग, दे बोथ वर सैड. अब उनके पास वो गूज नहीं थी जो उन्हें रोज एक गोल्डन एग देती थी. अब उनके पास उतनी मनी भी नहीं थी जिसके साथ वो घूमने भी जाते थे, अच्छा अच्छा खाना भी खाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते थे. दे लिव्ड
वेरी सैडली आफ्टर दैट। हमें इससे क्या सीखने को मिला? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट। हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके, सो होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड यू विल कंटिन्यू योर स्टोरी सेशन एंड योर होमवर्क एट्सेट्रा ऑल द थिंग्स इन द फर्दर डेज। सी यू अगैन विद अ न्यू ब्लास्ट एंड अ न्यू स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।